बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी दुनिया में ऐसे कई सारे राज दफन हैं जिसके बारे में जितनी गहराई में आप जाओगे उतने ही हैरान करने वाले सच सामने आएंगे। बॉलीवुड जगत में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें फिल्मों में काम करने से पहले क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ा। इतनी मशहूर एक्ट्रेस होने के बाद भी कई बार इन्हें बदनामी की गलियों से गुजरना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कई बार जबरदस्तियों का सामना किया है, जिसे ये एक्ट्रेस कभी भूल नहीं सकती। और हमारा दावा है कि आपने भी इन किस्सों के बारे में कभी पहले नहीं सुना होगा। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड जगत में कई ऐसे स्टार्स रहे हैं जो इन एक्ट्रेसेस पर फिदा हो जाते थे। जब वे शूटिंग करते थे तो उस किरदार को इस तरह से पर्दे पर उतार देते जैसे कि यह सचमुच हो रहा हो। और इन्हीं में से एक रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विनोद खन्ना, जो भले ही आज हमारे बीच ना रहे हो लेकिन जब ये फिल्मों में एक्टिंग करते थे तो दर्शक इनकी दमदार एक्टिंग के दीवाने हो जाते थे। लेकिन अक्सर कई बार कुछ एक्ट्रेसेस इनके साथ रोमांटिक सीन करने से डरती थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विनोद खन्ना इंटीमेट सीन के दौरान अक्सर बेकाबू हो जाते थे। कई बार डायरेक्टर के कट कहने के बाद भी वह रुकते नहीं थे। ऐसा ही एक किस्सा विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म दयावान की शूटिंग करते वक्त भी हुआ। दोनों फिल्म का सुपरहिट गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है शूट कर रहे थे। उस दौरान विनोद खन्ना माधुरी को किस करते वक्त बहक गए थे। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टर के कट बोलने पर भी विनोद खन्ना रुके नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने माधुरी के होंठ तक चबा लिए थे। माधुरी इन सीन को करते वक्त बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि सीन करने से पहले माधुरी को विनोद खन्ना की नियत में खोट नजर आ गई थी। वहीं विनोद खन्ना ने सीन के लिए कई रीटेक ले डाले थे। माधुरी का कहना था कि विनोद खन्ना शूटिंग का नाजायज फायदा उठा रहे थे, जिसके चलते इन दोनों के बीच खट्टास आ गई। और इस फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित ने कभी विनोद खन्ना के साथ काम नहीं किया। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ एक और बेहद शर्मनाक किस्सा रहा है, जो कि उनकी एक फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से जुड़ा है। इस फिल्म के लीड रोल में विनोद मेहरा और मिथुन चक्रवर्ती और विलन के रूप में रंजीत राय नजर आए थे। इस सुपरहिट फिल्म में माधुरी और रंजीत रॉय को लेकर एक रेप सीन फिल्माया गया था। हालांकि माधुरी इस सीन को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि रंजीत की छवि उस समय एक खूनखार विलन की थी जिससे माधुरी बहुत घबराती थी। लेकिन फिल्म की डिमांड और डायरेक्टर के प्रेशर के चलते माधुरी इस सीन को करने के लिए तैयार हो गई। इस रेप सीन के दौरान रंजीत रॉय इतने बेकाबू हो गए कि माधुरी ने उन्हें यह कहकर हटाया कि फिर कभी मुझे हाथ मत लगाना। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस रेप सीन के दौरान रंजीत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ जबरदस्ती करने लगे थे, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को ताकत के साथ उनको खुद से अलग करना पड़ा। हालांकि माधुरी दीक्षित की यह फिल्म सुपरहिट जरूर रही, लेकिन 80 के दशक की यह घटना आज भी माधुरी को डरा देती है और वो सहम जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन अभिनेताओं का एक्ट्रेस के साथ इस तरह जबरदस्ती करना क्या सही है या गलत? इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।